अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरा काम पसंद किया, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे काम से आप लोग कुछ सीख रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करिए, अच्छा सीखने की कोशिश करिए, बार बार मुझे समझाना ना पड़े, क्योंकि पता नहीं दोबारा मैं आपको वैसे समझा पाऊँगा या नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे काम को बहुत सीरियस ले रहे हो और बहुत दिल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपके कमेंट पढ़कर तो मुझे इंतहाई खुशी हुई कि आप लोग कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। असल में बात यह है कि मेरी मजबूरी है, जिस गाँव में अभी मैं रहता हूँ तो ये शहर से बहुत दूर है। बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया भी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सामान ले आऊँ वहाँ से, कपड़ा वगैरह ये वो मिल जाए, तो एक बार मैं ये पूरा जो है ना ट्यूटोरियल बना कर मैं आप लोगों को इसी चैनल पे डाल दूँ, ताकि आप लोग फिर उससे फ़ायदा हासिल करते रहो और देखते रहो और सीखते रहो। आज हम कोशिश करेंगे, बॉडी काटेंगे, जो बॉडी उसकी कटी हुई है, जो वो मैंने काटी है वैसे ही काटेंगे। उसके अलावा एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि लॉन्ग स्लीव्स जो है ना वो भी इसके साथ अटैच करनी हो, तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने हमें 16 इंच चाहिए बॉडी के लिए, 36, 30 और 16। सबसे पहले हम ये निशान लगा लेंगे ऐसे सीधा एक, ठीक है। सोलह इंच रखेंगे इसको, उसी नाप की मैं काट रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब शोल्डर हमने रखना है 14 इंच, ठीक है, 14-15 जो आपका यहाँ से तकरीबन 1 इंच, ठीक है, यहाँ से 3 इंच, ठीक है, उसके बाद यहाँ से तकरीबन 6.5 इंच कर दें, ठीक है। अब इसको निशान लगा लें इसको ऐसे सीधा, ये जो है ऐसे, ये निशान जो है ये हमने लगाया है फ्रंट का, तो स्लीव्स जिसके बाजू लगाने हों उसके लिए, बाकी जो आपका मेजरमेंट हो आप वैसे रखना है आप लोगों ने। ये साढ़े 8 इंच डॉट का निशान लगाना है, ये 4 इंच, ज़्यादातर तो मैं आपको बता चुका हूँ इसमें, तो इस 8.5 इंच इसलिए है या 9 इंच, क्योंकि जो छाती है औरत की, तो जैसे ही वो डॉट ज़रा छोटी लगाएंगे तो वो ऊपर से ऊपर उठाएगी उसको, छाती को वो डार्ट जो है वो ऊपर उठाएगी और ऐसे यानी ऐसे नीचे नहीं गिरने देगी उसको, तो खूबसूरत लगेगा, ये बॉडी जो है ना खूबसूरत लगेगी। ये 4, ज़्यादा 9 इंच होती है डार्ट,
ठीक है, ये दो दो इंच तो मैंने आपको पहले समझाया था कि ऐसे स्क्वायर कर लेना है दो दो इंच, लेकिन ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखनी है, जो ये जो डार्ट है अभी ये ऐसे सीधा नहीं जाएगी, पहले तो ऐसे सीधा जाती थी वो, क्योंकि वो शोल्डर लेस था, वो शोल्डर नहीं था उसका, तो इसलिए वो हमने ऐसे वो सीधी डाल दी ऐसे डार्ट, लेकिन अभी ये ऐसे इसमें इस पॉइंट के साथ मिलाना है, ठीक है, और ये तकरीबन आधा इंच होना चाहिए इसको, ऐसे कोशिश करें आप इसको जब आप बनाने लगें, इसको काटने लगें, तो इसको पिन लगा दें, ऐसे इसको भी पिन लगा दें, जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है वैसे ही पिन लगा के ऐसे, जब आप लोग पिन लगा के इसको काटेंगे, नीचे आपने कप रख देना है, ब्रा कप जो स्पंज का होता है वो नीचे से रख देना है, तो जैसे ही वो ऊपर उठेगा तो वो कपड़ा अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएगा, फिर आपने चारों तरफ से कटिंग कर देनी है। ये सेंटर की डार्ट है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही जो छाती है वो ज़रा खूबसूरत होती है। छाती हमने रखनी है 36 इंच, ये 36 आधा इंच ज़्यादा कर लेंगे इसको। कमर हमने रखनी है 30, ये है 30, ये इसका जो मार्जिन है ये ज़रा ज़्यादा रखेंगे इसको, हम 1.25 इंच ज़्यादा रख के इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा पीस है। अब हमने साइड डार्ट लेनी है, यहाँ से साइड डार्ट, कोशिश करें थोड़ा सा ऐसे हो, ठीक है, और इसका जो हो तकरीबन 1 इंच होनी चाहिए, या 1 इंच ऐसे। सबसे अहम जो चीज़ें हैं इसमें वो यही हैं, गला आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखना है, जो आपको चाहिए उस हिसाब से आपने गला रख देना है, और इसको जब आप इसको ऐसे पिन से ऐसे लगा के इसको आप कटिंग करेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर, ये जो है ये ऐसे जब आएगा साथ में आप इसको कटिंग करेंगे तो इसका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा जाके, फिर इसकी ऐसे कटिंग आनी, ये फिर आप इसको आस्तीन लगा सकते हैं, आप आधा इंच ऐसे ऊपर हो जाएगा, जब ये डार्ट लगाएंगे ये वाली, ये जो है ये डार्ट आएगी तो आधा इंच ऐसे ऊपर हो जाएगा 1 इंच, तो यही 1 इंच जो है ये बैक कम हो जाएगी, जब ये आप बैक को इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट को, तो आधा इंच ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगी, वो इसलिए कम होगी क्योंकि फ्रंट में होती है छाती, तो औरत का जो एक्स्ट्रा मास होता है वो छाती पर होता है, बैक में तो छाती नहीं होती है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा मास के लिए 1 इंच लाजमी चाहिए होता है, तो इसलिए ये डार्ट डालते हैं। अच्छा, ये तो आगे ऐसे, अब इसके ये है आस्तीन के लिए, जिसने आस्तीन लगानी है, स्लीव लगानी है, ठीक है, ये उसके लिए है। स्लीव जैसे सादा होती है वैसे आपने कर लेना है। अब इसी को हम दूसरी में चेंज करते हैं, जिससे शोल्डर जो नहीं होता है, जैपनीज स्लीव्स कहते हैं उसको, शोल्डर लेस होती है वो, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये इसको डार्ट को ऐसे ख़त्म कर लेते हैं, ये है 1 इंच, ये ऐसे इसको सीधा, ये ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे, ये भी उतनी ही डार्ट आएगी, ये ठीक है। यहाँ से आपने, आपको कितना चाहिए अपना डीप कितना चाहिए यहाँ से कर लेना है इसको, ऐसे 7 इंच चाहिए 7 इंच, नीचे चाहिए नीचे, अगर और नीचे करेंगे तो आपको जो तुल आती है, एक बारीक नेट आती है, जो नरम वाली नेट बारीक होती है, तो अगर आपको ये नीचे करना है, फ़र्ज़ करो ऐसे नीचे करना है इसको, तो यहाँ पर आपको
वो वाली लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये रुकेगी नहीं। वो उसका क्या मतलब होता है, स्किन कलर की होती है बारीक वाली नेट, स्किन कलर की, एक तो वो नज़र नहीं आती है, दूसरा जिस्म के ऊपर जब बॉडी के ऊपर होती है तो वो नज़र नहीं आती है कि जाली लगी हुई है या नहीं, नेट लगी हुई है या नहीं, बारीक वाली होती है। अगर किसी ने डीप करना है तो ऐसे वो लगानी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये नहीं रुकेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका गला लेते हैं, ये डाट आ जाएगा इसकी, ये डाट। दूसरी और बात का ख्याल रखना है आपने, ये यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से 3 इंच, शोल्डर से 3 इंच ज़्यादा आपने रखना है। ठीक है, ये 3 इंच ये आ गया ज़्यादा है। अब ये यहाँ से आपने ऐसे इसको ऐसे करना है, बल्कि ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको ऐसे या ऊपर से आपने जितना आपको चाहिए आप उतना रख सकते हैं। यहाँ पर ये शोल्डर है ऐसे, ये शोल्डर में आप जितना मर्ज़ी रख लें, आप वो आपकी मर्ज़ी है। फिर लगा कर दिखाता हूँ मैं आपको निशान, ये ठीक है, ठीक है, ये ऐसे ये काट लेंगे इसको ऐसे, ये ठीक है, ये एक निशान है ऐसा, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ये आपका यहाँ से जो है, जो ये जगह होगी जो पकड़ेगी बाजू को जो, तो ये शोल्डर से 3 इंच ज़्यादा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे काट देना है आपने, ये ऐसे करेंगे तो ये आर्म होल बन जाएगा, यहाँ पर ये आर्म होल होगा। ये आर्म होल है यहाँ पर, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये ऐसे। जब आप बनाएंगे उसको, ये ऐसे डॉट है, ये डॉट ऐसे जब आ जाएगी, जब आप इसको इसका कप को, स्पंज कप को जब यहाँ पर रख कर और ये पिने वगैरह लगा कर जब आप कटिंग करेंगे तो इसका जो मार्जिन है ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, ये इसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम बात जो है वो ये है, ठीक है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच होता है, कोई नहीं भी रखते, 2 इंच भी रखो, 1 इंच भी रखो, जितना आपकी मर्ज़ी है, नहीं रखना है तो भी नहीं रखो, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऊपर इधर जो है ये ऊपर के हिस्से में आप स्किन कलर की नेट लगा सकते हैं बारीक वाली, उसको डबल करके लगाएंगे तो वो नज़र नहीं आएगा, ऐसे लगेगा कि ये ऊपर से कपड़ा नहीं है, सिर्फ स्किन नज़र आ रही है, तो वो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें स्टेप में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ये काट के भी दिखाऊंगा और मैं आपको सिलाई करके भी दिखाऊंगा। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा काम है इस्लामाबाद का, मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ से मैं कपड़ा लेके आऊँगा तो मैं आपको ये बना कर भी दिखाऊँगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, तो जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा यहीं पर आपको हल करके दूँ वो सवाल। शुक्रिया।